जिस तरीके से हम हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही कुछ ड्राइंग के भी वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं। तो क्या है वो वार्म अप एक्सरसाइजेस, किस तरीके से उनको फॉलो करना चाहिए, यही चीजें हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो वही सब चीजें सीखने के लिए इस क्लास को पूरी तरीके से अटेंड कीजिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज का टॉपिक है ड्राइंग के वार्म अप एक्सरसाइजेस। यस दोस्तों, तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, सिमिलर वे ड्राइंग में भी कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस है। तो उनको हम अगर रेगुलरली फॉलो करते हैं तो हमारे ड्राइंग में काफी सारा ट्रिमेंडसली चेंजेस आ सकते हैं और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो इस एक्सरसाइज के साथ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से पेंसिल्स है, किस तरीके से उनको यूज करना है, किस तरीके से उनको होल्ड करना है। तो ये वार्म अप एक्सरसाइज मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप जब भी ड्राइंग या स्केचिंग के लिए बैठते हो तो उसके पहले अगर 10 से 15 मिनट आप ये वार्म अप एक्सरसाइज करते हो तो आपके ड्राइंग के लिए अच्छा है, आप जो ड्राइंग करने वाले हो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। यस, इस प्रैक्टिस के वजह से काफी लोगों के हैंड राइटिंग्स भी बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव हुए हैं, तो उस चीज का भी आप फायदा ले सकते हो। हालांकि ये आपको थोड़ा सा बचकाना लग सकता है, बट बिलीव मी, ये सब सिंपल चीजें हैं, सिंपल लाइंस है, और उनको फॉलो करने से ही आपके ड्रॉइंग में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो डिटेल में जानने के लिए चलो चलते हैं ड्रॉइंग बोर्ड पर और देखते हैं कौन से एक्सरसाइज है, उनको किस किस तरीके से उनको फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पेंसिल को होल्ड करना है। जनरली आप देखोगे तो काफ़ी लोग जो है ड्राइंग और राइटिंग के लिए जो होल्ड करते हैं पेंसिल, वो इस तरीके से पेंसिल को होल्ड करते हैं। हाँ ज़रूर ये सही तरीका है, बट जब आप स्केचिंग और ड्राइंग की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपको पेंसिल को जो है वो इतने नज़दीक नहीं, थोड़ा सा दूर उसको पकड़ना है। इस दूर पकड़ने की वजह से आपके हैंड को एक फ्री ग्रिप मिल जाती है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेसिफिक अगर मैं बोलने जाऊँगा कि स्केचिंग करनी है तो आपका हैंड फ्री होना चाहिए और बहुत फ्लुएंटली आपके ड्राइंग में लाइंस आने चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जब हम स्केचिंग और ड्राइंग करते हैं तो हम डायरेक्टली तो फाइनल स्केच के लिए नहीं जाते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत लाइट से ही होती है, और अगर आपको ड्राइंग सही लगा तो आप उसको डिफाइन करते करते फाइनल की तरफ लेके जाते हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट ड्राइंग एक्सरसाइज, यहाँ पे हमें हमेशा करना चाहिए, वो है सर्कल। तो आपको करना क्या है, आपको ये रिस्ट यहाँ से मूव करनी है और उसके साथ आपको इस पेज के ऊपर एक सर्कल बनाते जाना है। ये सर्कल छोटे भी हो सकते हैं, ये सर्कल बड़े भी हो सकते हैं, तो आपको छोटे से बड़ा 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 जो है वो को ट्राई करना है। अभी आप देख रहे हो मैं आपको ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सेम चीज़ आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी प्रैक्टिस करनी है, और हो सकता है कि शुरुआत में आपके सर्कल्स परफेक्ट नहीं आए, बट माइंड में रखिए कि आपके इस एक्सरसाइज के साथ करते हुए आपके सर्कल्स हो सके उतने परफेक्ट आ जाए। तो दोस्तों ये था फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम हमेशा, मैं चाहता हूँ कि जब भी आप ड्राइंग के लिए स्टार्ट करते हो तो पहले ये एक्सरसाइज कीजिए, आपके हैंड्स को फ्री कीजिए और फिर आप ड्राइंग के लिए जाइए, तो आप बेटर ड्राइंग आप प्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वार्म अप एक्सरसाइज जो है वो है नंबर 8। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे नंबर 8 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जिस तरीके से मैं उसको मूव कर रहा हूँ सेम वे से मूव करना। उससे पहले मैं और एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम जब भी ड्राइंग करते हैं तो ज़्यादातर हम हमारा जो हाथ है वो हम जो ये पोर्शन आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन वो हम यहाँ पे
पेपर को टच करते हैं, बोर्ड को टच करते हैं। बट नहीं दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको ये हाथ को हवा में ही रखना है, उसको टच नहीं करना है, और मैं आपको बताऊंगा क्यों करना है ऐसे। तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैंने हाथ यहाँ पे टच किया है और मुझे कुछ स्ट्रोक करना है तो मैं यहाँ तक ही कर सकता हूँ, ये मेरा लिमिटेशन बन जाता है जब मैं हाथ को टच करता हूँ। बट अगर यही हाथ मैं हवा में रखता हूँ यहाँ पे, तो मैं ये पूरा का पूरा इतना बड़ा स्ट्रोक जो है बहुत इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे कितना फ्लुएंटली मैं, अगर मैं हाथ ये करता हूँ तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यही रीज़न है कि आप खुद को एक प्रैक्टिस करवाइए कि जब भी हम लोग फ्री हैंड स्केचिंग ड्रॉ करें तो आपका हाथ टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों वापस आते हैं, ये एट एक्सरसाइज में जो है हमें ये इस तरीके से कंटिन्यूसली स्केच करते रहना है। एंड सिमिलरली यू कैन स्टॉप हियर और यहाँ से वापस रिवर्स में आपको ये सब चीज़ें करनी है। सो ये हो गया आपका एक्सरसाइज टू। अब जाते हैं एक्सरसाइज थ्री के ऊपर, और इसमें एक्सरसाइज थ्री में हम लोग देखने जाएंगे तो यहाँ पे एक्चुअली आप जो यही पेज को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये जो पेज है वो सिर्फ आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज पेज है, वो स्पॉइल होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी आपके प्रेजेंटेशन के लिए मैं यहाँ पे जो पेपर है चेंज करता हूँ, बट वो सेम एक्सरसाइज आप एक ही पेज पे कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये नए पेज पे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, A4 साइज पेज हो सकता है या आपका ड्राइंग बोर्ड हो सकता है। आपको करना क्या है, आपको इस पेज को जो है चार हिस्सों में डिवाइड करना है। आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हो, बट जनरली आप जब स्टार्ट करते हो तो आप उसको चार हिस्सों में डिवाइड कीजिए। और ये चार हिस्सों करने के बाद आपको एग्जैक्टली करना ये है कि इस फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको जो है वो स्टैंडिंग लाइन जो है उनको आपको ड्रॉ करना है। सीधे सीधे लाइंस आप सिर्फ ड्रॉ करते जाइए, एक लाइन के बाजू में दूसरी, दूसरी के बाजू में तीसरी, ऐसे करते जाना है। आप देख रहे हैं आप मेरा लाइंस जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रेट आ रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से आप ये सब कर पा सकते हो। तो आपको इस तरीके से ये पूरा का पूरा पूरा बॉक्स जो है वो फील करना है। कुछ दिनों के बाद आप जब इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ये लाइन सीधे ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका हाथ टच नहीं है बोर्ड को, फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। इसी में जैसे कि आपने ये ड्राइंग जो है टॉप से बॉटम लाइन ड्रॉ की है, सिमिलरली आपको बॉटम से टॉप में करना है। ये एक्सरसाइज कुछ दिनों के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो या फर्स्ट डे से भी कर सकते हो, बट आपके हाथ पे आपका गुड कंट्रोल आने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप टॉप से बॉटम ड्रॉ लाइन ड्रॉ कर सके, आपको बॉटम से टॉप को भी लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अभी देखते हैं नेक्स्ट बॉक्स में दोस्तों। नेक्स्ट बॉक्स में हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को करना है स्लीपिंग लाइंस। ये भी आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से, इसके बीच में भी आप कर सकते हो, इसके ओवरलैप होगा तो भी चलेगा। अगेन आई एम सेइंग ये एक्सरसाइज है, कोई फाइनल ड्राइंग नहीं है, और उसमें भी कुछ लाइंस इसके बाद आप चेंज कर सकते हो राइट से लेफ्ट। जो पहले हम लोग ने किए हुए लेफ्ट टू राइट किए हुए हैं, अब आगे के जो हम लोग लाइन करेंगे वो राइट टू लेफ्ट करेंगे। इस तरीके से ये दोस्तों आप ये बॉक्स फील कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद तीसरी एक्सरसाइज जो है वो क्रॉस और डायगोनल लाइन जिसको हम कहते हैं, तो ये लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ करने हैं। पेंसिल को दूर ही होल्ड करना है ताकि आपका अच्छी ग्रिप मिले। इसके बाद आपको सिमिलरली जैसे आपने लेफ्ट से राइट टॉप तक किया, वैसे ही राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम तक आपको ये लाइंस को ड्रॉ करने हैं। अब आते हैं चौथे बॉक्स के ऊपर। ये चौथा बॉक्स जो है जहाँ पे आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पे वेव्स लाइंस को ड्रॉ करना है।
और इसमें खास करके ध्यान रखना है कि आपको ये जो वेव्स लाइन्स है उसके हाइट कम ज़्यादा जो ये अप एंड डाउन जो है वो काफ़ी होने चाहिए। काफ़ी लोग जो ड्रॉ करते हैं वो कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, नहीं ये इसके जगह पे ये जो तरीका है यहाँ पे अप एंड डाउन, तो आपके कर्व्स लाइंस की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हो सकती है। इसके नीचे एग्जैक्टली पैरेलल आप ड्रॉ हाँ करते जाइए। कभी कभी ये करते हुए आप देखोगे तो ये हाइट आपके जो है यहाँ पे कम होते जाता है, कम होते जाता है। बट डू नॉट वरी, इसी को ओवरलैप करते हुए वापस आपको डिफाइन करना है कि ये लाइंस आप अप एंड डाउन काफ़ी हद से कर सकते हो। अगेन, जैसे आपने यहाँ से लेफ्ट टू राइट किया है वैसे ही आपको राइट से लेफ्ट भी करना है। तो ये हो गया आपका थर्ड असाइनमेंट और थर्ड वार्म अप एक्सरसाइज। फोर्थ वार्म अप एक्सरसाइज आप इसी के ऊपर कर सकते हो जहाँ पे आप, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से आपको डिफाइन करना है कोई भी एक शेप। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी डिफाइन कर रहा हूँ डायमंड शेप, तो अगर आपने डायमंड शेप ड्रॉ किया है तो वही उसी को कंसिस्टेंटली बाहर की तरफ बढ़ाते जाइए। तो आपकी एक पैरेलल ड्रॉ करने की एक एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो सकती है। सेम टाइम नेक्स्ट टाइम आप जब एक्सरसाइज करोगे या उसी पे एक्सरसाइज करोगे तो शायद आप एक हार्ट शेप भी ले सकते हो और उसको भी बाहर की तरफ आप ड्रॉ करते 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 जा सकते हो। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास जहाँ पे हम लोग ने देखा ड्राइंग के डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज। तो यस डेफिनेटली हम हमारे बॉडी को जिस तरीके से फिट रखते हैं इस तरीके से ही ये जो एक्सरसाइजेस है वो आपके ड्राइंग को फिट रख सकता है और आप आपके ड्राइंग स्किल्स को काफी इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपको आज का क्लास कैसे लगा वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और आपके पास भी अगर कुछ नए आइडियाज है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए, तो आपको आने वाले सभी वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए ड्राइंग टिप्स के साथ, नए टॉपिक के साथ, और तब तक आप ड्राइंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और डेफिनेटली स्माइल करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।